फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मैंने कई जगह पढ़ा है इस सेंटेंस टू या वो सेंटेंस टू, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये सेंटेंस टू क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। इज सेंटेंस टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो सजा दिया जाता है, या वो सेंटेंस टू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको कहना हो सजा दिया गया। जैसे अगर आपको कहना हो सुकरात को मौत की सजा दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सोक्रेटिस वाज सेंटेंस टू डेथ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने बोला वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी वो सेंटेंस टू मतलब सजा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मंगल पांडे वाज सेंटेंस टू हंग। मैंने कहा वाज सेंटेंस टू यानी सजा दिया गया, उसे उम्र कैद की सजा दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे भगत सिंह वाज सेंटेंस टू हंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आया कि वो सेंटेंस टू मतलब सजा दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है, जहाँ ये बताया जाता है कि ये काम किसी के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया और अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।